बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है लेसन नंबर 32 मेमोरी के अबाउट। हम बात कर रहे हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, और आज हम करेंगे आई विटनेस टेस्टिमनी और एक्सपर्ट विटनेस, यानी कि जब हम चीजों को देखते हैं तो अब हम उनके बारे में कुछ क्यूज बना लेते हैं। व्हेन वी रिकॉग्नाइज अदर वी मेक अवर ओन वेज। अगर हम फॉर एग्जांपल हम चाइनीज को देखते हैं तो हम फौरन पहचान लेते हैं कि ये चाइनीज है, क्योंकि हमने क्यों बनाया हुआ है कि उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी सी चाइनीज एंड रिकॉग्नाइज देम एज चाइनीज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल आईज एंड फोरहेड्स, वी आल्सो परसीव ब्लैक फार्म पीपल सेम। दिस इज जस्ट बिकॉज द थिंग दैट वी सी कॉमन इन ऑल ब्लैक फार्म्स। सो फॉल्स टेस्टिमनी कैन बी मेड बाय पीपल। कुछ लोग फॉल्स टेस्टिमनीज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ व्हाइट मैन सी अ ब्लैक फार्म मैन एट नाइट, देन ही थिंक अदर ब्लैक फार्म आर द सेम लाइक दैट ब्लैक फार्म। सॉरी, अवर मेमोरी इज इंटरफेरेंस बाय अवर ओन कंटेक्सुअल क्लूज दैट आर सेव्ड इन अवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। वी यूज दीज क्लूज आर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवर मेमोरी टू फिल अवर गैप्स। यहाँ पे एक्टिवेशन नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमने पीछे भी कितनी दफा पढ़ चुके हैं कि जब आप ये वाला बात करते हैं पेंगुइन के बारे में, तो पढ़ लेते हैं एक दफा फिर से। द फॉलोइंग फिगर इज शोन दैट द एक्टिवेशन इन अ नेटवर्क। द वर्ड पेंगुइन हैज टू लिंक दैट वन इज बर्ड एंड अदर इज स्विमिंग। जब आपके माइंड में पेंगुइन आता है तो उसको दो लिंक्स भी आते हैं। इफ वी थिंक अबाउट स्विमिंग द एक्टिवेशन मॉडल विल बिकम एक्टिव एंड वी कैन रिकॉल पेंगुइन बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद स्विमिंग। सो द वर्ड्स आर लिंक्ड विद सो मेनी अदर वर्ड्स। इस तरह हमारी जो डेली लाइफ में इधर भी बहुत सी हम ऐसी इसी तरह लिंक्स बनाकर चीजें याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पेरेंट्स पर ऐसे लिखना है तो हम उसके बारे में बनाएंगे कि एक तो फादर होता है, मदर होता है। जब पेरेंट्स की बात आती है तो लव, अफेक्शन, हेल्प, सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारे लिए, और उसके अलावा हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें लिंक्स बना के जब हम रखेंगे तो हमें चीजें याद करने में आसानी होगी। एक और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल की हुई है कि जब आपको कहा जाता है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड किसने डिस्कवर किया, और अगर आपने इसको याद करते वक्त ये लिंक बनाया हो कि अच्छा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है, जिस तरह हमने पीछे भी देखा था कि जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है। जब आप इसके इस तरह लिंक्स बना लेते हैं तो आपको चीजें याद करने में आसानी होती है। इसी तरह वो आगे कहते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं अगर वो भी चीजें लर्न करते हैं तो उनको इसी तरह लिंक्स बना लेने चाहिए अपनी, फिर वो ज्यादा चीजें याद रखने में आसानी होती है। और आगे वो कह रहे हैं इफ दे मेक पिक्चर ऑफ अ मटेरियल एंड लर्न इट। अगर हम पिक्चर्स के थ्रू करते हैं, क्यों कहा जाता है कि पावर पॉइंट कर लो, जब आप एंड पे होते हैं हमारे वीडियो की बात करें तो इधर कहा जाता है कि पावर पॉइंट से कर ले, पावर पॉइंट आसान होती है। आसान कोई चीज भी नहीं होती, क्योंकि जो पिक्चर्स की सूरत में हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो आसानी से रिकॉल हम कर सकते हैं। बिकॉज द मेमोरी ऑफ अ पिक्चर इज बेटर देन एंड हैज डीपर क्वालिटी टू रिकॉल देन दैट ऑफ अ वर्ड। मेमोरी फॉर स्मेल इज लॉन्ग लास्टिंग देन ऑल अदर मेमोरी। यहाँ पे एक और वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ये चीजें जो छोटी छोटी होती हैं ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी होती हैं, यानी कि जो स्मेल की मेमोरी है वो काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने जहाँ पे आप याद कर रहे हैं सबक वहां पे एक ड्रॉप परफ्यूम का लगा दें तो उससे आपको चीजें रिमेम्बर करने में आसानी होगी। बिकॉज द एसोसिएशन बिटवीन इंटरेस्टिंग एंड बोरिंग थिंग मेक रिमेम्बरिंग ईजी एंड फास्ट, इट इज कॉल्ड एलेबोरेट नेटवर्किंग। यानी कि चीजों को इंटरेस्टिंग करके याद करने से आपको चीजें फिर जल्दी भूलती नहीं है और आसानी से याद हो जाती है। इसको कहा जाता है एलेबोरेट नेटवर्क। इन ऑल काइंड ऑफ मटेरियल साइंसेज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकम ईजी बिकॉज ऑफ दीज एलेबोरेट नेटवर्क। यानी कि जब बायो की बात करें तो वहां पे डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन जो इतने बड़े बड़े दिए हुए होते हैं उनको याद करने के बजाय अगर आप सीधा सीधा ऑर्गन के जो उन्होंने डायग्राम दी हुई होती है उसकी तरफ जाएं और उधर से आप चीजों को याद करना शुरू करें तो वो चीजें आपको जल्दी पिकअप कर लेते हैं और जल्दी आसानी से याद हो जाती हैं। आगे चलते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी फॉर स्मेल इज दैट मोस्टली द फीमेल यूज डायरीज दैट हैव स्मेल। सम फीमेल्स आर पीपल बट सम परफ्यूम्स ऑन देयर नोटबुक्स। यहाँ पे एक और वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आर फॉर गेटिंग मेमरी लॉस्ट फॉर एवर। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या जब हम चीजें भूल जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती हैं चीजें, बल्कि ऐसा नहीं होता। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज हम भूलते नहीं है बल्कि उसको याद करने की एबिलिटी खो देती हैं। एन इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी इज दैट वी नेवर डू रियली लूज अवर इन मेमरीज दैट फॉर गेटिंग मेमरीज आर स्टिल देयर बट आर टू वीक टू बी रिट्राइव्ड।
पेनफील्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू रिपोर्ट दिस नोशन. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. वो क्या किया था कि उन्होंने एक न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर किया था. एक आदमी को उन्होंने बेहोश नहीं किया था, उसे कहा था कि आप तुम बताना कि तुम क्या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में रिपोर्ट करना. वो क्या था, ही इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट पार्ट्स ऑफ पेशेंट ब्रेन एंड आस्क देम टू रिपोर्ट दैट दे व्हाट दे एक्सपीरियंस. पेशेंट वर कॉन्शियस ड्यूरिंग दिस सर्जरी but the stimulation technique was painless. In this way Penfield was able to determine the function of various portion of the brain. Stimulation of the temporal lobes led to report the memories that patient were unable to report the normal recall. yani ke jo temporal lobe hoti hai usko unhone stimulate kar diya tha, jiske natije mein insaan wo cheeze bhi yaad kar sakta hai जो वो भूल चुका है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड मेमोरीज जो आपको लगता है आप भूल चुके हैं. लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट में मसला क्या हुआ एंड पर, जिसकी वजह से इसे इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल सकी रिसर्चर्स के दरमियान, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि वो आदमी जो भी नरेट कर रहा है वो सही कह रहा है, और ना तो हम पास्ट में जाकर चेक कर सकते हैं टाइम मशीन, जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं कि टाइम मशीन के जरिए वापस जाओ वहां के देख के आओ कि अक्सर आखिर हुआ क्या था. ना तो हम जाके खुद दे सकते हैं और सिर्फ हमने उस पेशेंट की बातों पर बिलीव करना है, तो हाउ कुड वी सजेस्ट दैट कि वो बंदा सच कह रहा है. इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन है कि क्या फॉरगेटिंग मेमोरीज रहती हैं या फिर उनकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है या फिर वो खत्म हो जाती हैं. तो लेट्स सी अगले लेक्चर्स में क्या कहते हैं इसके बारे में. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है.